हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू पेपर का एक एडिटोरियल। सो देखते हैं एडिटोरियल किस बारे में है और क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है जूही ज्ञान चंदानी और बाकी डिटेल्स जो है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विद अ वेरी गुड थॉट। चेंज योर लाइफ टुडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। बहुत ही फेमस एक फ्रेंच राइटर ने ये कहा है, सिमोन डे बीवर। एज फॉर हर, चेंज योर लाइफ टूडे, मतलब आज ही हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चेंज करना है तो हमें फ्यूचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि आगे जाके ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। तो फ्यूचर पे गैम्बल करने की बजाय वी मस्ट एक्ट नाउ। ठीक है, फ्यूचर पे गैम्बल करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, अभी हमारे एक्शन पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विदाउट डिले। ओके, सो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। बट बिफोर वी मूव अहेड, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों में ये रहता है कि एडिटोरियल सभी कहते हैं पढ़ने के लिए, बट क्या रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या एडिटोरियल पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है? तो उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ठीक है, व्हाई टू रीड एडिटोरियल, क्यों रीड करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना हम प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन की, रीडिंग क्यों करें। तो रीडिंग क्यों करनी चाहिए, उसका आंसर है सबसे पहली बात, तो बहुत सारे बच्चों को रीड करना ही नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू रीड। सो पहली बात, इट्स अ मस्ट थिंग टू लर्न हाउ टू रीड, कैसे रीड करना है। ठीक है, दूसरी बात, इफ यू नो द रीडिंग, है ना, अगर आप पहला स्टेप क्रॉस कर जाते हैं, आपको समझ में आता है कि कैसे रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए पढ़ना चाहिए। अगर रीडिंग डेवलप हो गई अच्छे से तो अब स्पीड आनी चाहिए उसमें, आप रीड करते करते कॉन्टेक्स्ट भी समझने लग जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने रीड किया, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हम फिर से रीड कर रहे हैं, सो दैट इज ऑफ नो यूज, है ना। सो रीडिंग स्किल्स एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अल्टीमेटली रीड इट एंड देन अंडरस्टैंड इट एंड उसके बाद ही आप एक्ट करते हैं उस पर। ठीक है, और तीसरा जो रीजन है वो ये है, टू स्ट्रेंथन वोकैबुलरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। अक्सर लोगों को जो दिक्कतें आती हैं वो इसी में आती हैं कि वोकैबुलरी इट्स लाइक एन ओशन, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, याद नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन है रीडिंग में। इफ यू रीड, यू अल्टीमेटली स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी। आपको कुछ चीज़ें जैसे नहीं समझ में आती है, हम क्या करते हैं एडिटोरियल में, हम भी तो वही करते हैं कि वोकैबुलरी पहले समझते हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल के डिस्कशन पे आते हैं। तो ये रीडिंग करने से आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है, यू गेट टू नो अलॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, है ना, उनका यूजेज एंड एवरीथिंग। तो अल्टीमेटली वोकैब इंप्रूव होती है जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होती है। टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, अब बोलो कि ये कैसे मैम, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, क्या हम हर एडिटोरियल के लास्ट में ग्रामर डिस्कस करते हैं? येस करते हैं, है ना। अब ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, वाइल रीडिंग यू रीड द सेंटेंसेज जो करेक्ट लिखे रहते हैं और वो करेक्ट सेंटेंसेस पढ़ के आपको एक तरह से आप फेमिलियर होने लगते हैं विच इज करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, है ना। कई बार हम कहते हैं कि मैम ऐसा लगा कि सही होगा मार्क किया और वो सही था, वो क्यों हुआ, बिकॉज यू नो सबकॉन्शियसली आपको पता होता है कि अच्छा इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ेंगे तो ये करेक्ट साउंड कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है ना। कभी कभी होता है कि उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता रहा, बट आपको ये मालूम होता है कि ये यहाँ पर करेक्ट है। वो क्यों होता है, बिकॉज यू आर फेमिलियर विथ रीडिंग राइट एंड करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, यू आर फेमिलियर विथ रीडिंग करेक्ट थिंग्स, इसीलिए। तो दिस इन अ वे हेल्प्स यू स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर ऑल्सो, एंड अबव ऑल इट हेल्प्स यू नो इम्प्रूव, इट हेल्प्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉट, है ना। अल्टीमेटली अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना। और इसकी इंपॉर्टेंस को जो समझते हैं वो रीडिंग को कभी नहीं इग्नोर करेंगे, वो रीडिंग करेंगे डेफिनेटली। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हर कोई बढ़ाना चाहता है और उसका एक जरिया रीडिंग भी होता है। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रीडिंग करने को एक्चुअली यू नो प्रेरित करते हैं कि हमें रीडिंग करनी चाहिए। एंड आई थिंक आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्यों रीड किया जाए, है ना, उसका आंसर ये दे रहा है। ठीक है, ओके, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप रीडिंग को सीरियसली लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप चाहे क्वांट पढ़ रहे हो, आप चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, और भी आप अल्टीमेटली रीड करते हैं किसी चीज़ को, है ना। रीडिंग के बिना आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। रीड देन अंडरस्टैंड एंड देन आप उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या पूछा गया है, फिर आप एक्ट करेंगे, राइट। तो रीडिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं सबसे पहले वोकैबुलरी की तरफ। आज के एडिटोरियल में जो वोकैबुलरी पूछी गई है उसमें है ट्रैवल्स। ट्रैवल्स का मतलब यहाँ पे है द डिफिकल्टीज दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस की जाती है ना, एज अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको हम कहते हैं ट्रैवल्स। ये एक नाउन है।
दिक्कतें, कठिनाइयां, मुसीबतें, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की। अंडर प्रिविलेज्ड किसे कहते हैं हम, जो सुविधा से वंचित होते हैं ना, वो पर्सन की अगर हम बात करें तो नॉट एंजॉयिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और राइट्स एज द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी दो है ना, मतलब कुछ पर्टिकुलर सुविधाएं जो देखा जाए सोसाइटी में किसी लोग बहुत ही कम लोगों के पास है और कुछ लोग उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे, कुछ लोग उस सुविधा से वंचित है ना, तो उसे हम कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोग, जो उस राइट्स को नहीं अवेल कर पाते हैं या वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उनकी नहीं होती है, राइट, दैट इज अंडर प्रिविलेज्ड। इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, एंटाइटल्ड होना, दिस इज ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये होता है हकदार होना या हैविंग अ राइट टू सर्टेन बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस पे, अगर राइट कुछ बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस पे अधिकार होना, जिसको कहते हैं एंटाइटल्ड होना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी, ये होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब है पक्षपाती होना या विभेदक होना, भेदभाव करना, है ना। सो ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, रेस और अदर पर्सनल फीचर्स, है ना, किसी उनके रिलीजन पे, रेस पे या पर्सनल फीचर्स पे मतभेद, पक्षपात करना, भेदभाव करना, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं जिसे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कंप्लायंस विद अ लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन, है ना, किसी लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन को बेसिकली लागू करना, है ना, उसको एक्शन में लेकर आना, दैट इज व्हाट एनफोर्समेंट इज। प्रिवेलिंग का मतलब होता है टू बी और बिकम इफेक्टिव और इफेक्चुअल, है ना, प्रिवेल करना, यहाँ पे जो यूज किया गया है किस सेंस में यूज किया गया है, इफेक्टिव होने के सेंस में, बिकम इफेक्टिव और इफेक्चुअल, ठीक है। प्रिविलेज्ड, अभी हमने देखा था अंडर प्रिविलेज्ड है ना, जिनको सुविधा से वंचित किया जाता है, तो प्रिविलेज्ड उसका उल्टा हो गया, दैट इज व्हाट, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त, विशेषाधिकृत, है ना, हैविंग स्पेशल राइट्स, एडवांटेजेस और इम्यूनिटीज, उनको कहते हैं हम प्रिविलेज्ड, ठीक है। अबिस्मली, अबिस्मली एक एडवर्ब है, एलवाय लगा, मतलब ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है इस पैराग्राफ में, इन एन एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही बुरी, बुरा वे या अपेलिंग, है ना, इट्स काइंड ऑफ फियरसम और बहुत ही बुरा, दैट इज अबिस्मली। सो वोकैबुलरी को पढ़कर इतना आइडिया आपको लग गया होगा कि आज हम कौन सा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये आर्टिकल है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑन अपहोल्डिंग राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड। आज जो हम बात करेंगे अधिकारों की, वो हम बात करेंगे डिसेबल्ड के अधिकारों की, फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, कि इनको भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। क्या हुआ है देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिड वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया है, क्या करके, टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड द रिलैक्सेशंस गिवन टू SC ST, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो सुविधाएं दी जाती हैं या जो रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, वही सेम रिलैक्सेशन जो है डिसेबल्ड को देकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया है। अब क्या है डिटेल में पढ़ेंगे हम आर्टिकल में, राइट, आगे बढ़ते हैं। सो द आर्टिकल इज, इन होल्डिंग दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू द सेम बेनिफिट, है ना, एंटाइटल टू, उनको भी वही सेम बेनिफिट दिया गया है, टू द सेम बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन एज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकग्नाइज, ये कर कर है ना, ये डिसीजन जो लिया है और ये कि इनको भी वही राइट्स दिए जाएंगे जो कि शेड्यूल कास्ट वालों के पास है, तो ये जो डिसीजन है ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में ने लिया है, वो क्यों लिया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज रिकग्नाइज, उसमें उन्होंने पहचाना दी ट्रेवल्स, ट्रेवल्स मतलब परेशानियाँ, कठिनाई, किन की, ऑफ द डिसेबल्ड इन वॉट, इन एक्सेसिंग एडुकेशन, एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो, है ना, और एम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। अब देखो ये एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि उनमें नहीं देखा जाएगा भाई डिसेबल में भी कि ये कौन से, ये शेड्यूल्ड कास्ट वाले डिसेबल हैं या फिर ये इस कैटेगरी वाले का वाले डिसेबल हैं, डिसेबल डिसेबल है ना, तो ऐसा नहीं कि देखा जाएगा कि ये तो अमीर तबके का है या गरीब तबके का है, उसके हिसाब से ऐसा कोई उनमें उनमें जो भेदभाव नहीं किया गया है। सो रिगार्डलेस, इसलिए बोला गया रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनको वो चीज़ें जो है दी गई है, वो सेम बेनिफिट्स जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जाता है। इवन दो ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दो सफरिंग फ्रॉम द सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, हैव ऑलवेज बीन एन अंडर प्रिविलेज्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन, अ फैक्ट नोटिस्ड इन ऑफिशियल स्टडीज इन द पास्ट। ठीक है, देखो क्या एक फैक्ट नोटिस किया गया, जो एक ऑफिशियल स्टडी की गई थी उसके हिसाब से ये बताया गया कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, किस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आते हैं, दो सफरिंग फ्रॉम द सेवरल
कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी है ना, जो सफर कर रहे हैं बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, दे आर रिकोगनाइज बाय लॉ, दे हैव ऑलवेज बीन एन अंडर प्रिविलेज है ना, उनको लॉ ने रिकोगनाइज किया, देखा और स्टडी के माध्यम से कि वो हमेशा से सुविधाओं से वंचित रहे हैं, अंडर प्रिविलेज रहे हैं एंड हमेशा से अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं, ठीक है. ऐसा सेक्शन जो बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है वो डिसेबल्स का रहा है, ठीक है. सो ये फैक्ट जो है ऑफिशियल स्टडी में पास्ट में नोटिस किया गया. रिसेंटली द टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है, एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं हम इसे. द टॉप कोर्ट रूल्ड दैट द दिल्ली हाई कोर्ट हैड करेंटली सॉरी हैड करेक्टली डिसाइडेड इन 2012 दैट. तो दिल्ली कोर्ट ने जो डिसाइड किया था 2012 में, बहुत ही करेक्ट डिसाइड किया था, करेक्ट तरीके से. पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, दे आर ऑल्सो वॉट सोशली, जो ये सफर कर रहे हैं अलग अलग डिसेबिलिटीज से वो सोशली बैकवर्ड भी है एंड आर देयर फॉर, एंड इसीलिए एट द वेरी लीस्ट कम से कम उन्हें है ना एंटाइटल टू द सेम बेनिफिट्स, इसीलिए उनको भी वो विशेषाधिकार देना चाहिए, उनको भी वो एंटाइटलमेंट जो इन कैटेगरीज को मिली हुई है एज गिवन टू द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, इनको जो मिली हुई है इन कैंडिडेट्स को, वो भी डिजर्व करते हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, ठीक है. उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारी सुविधाओं से वो वंचित रहते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट ये तक उन्हें एक्सेस नहीं हो पाता है. तो इसके लिए क्या करना है, उनको भी सुविधाएं देने का जो डिसीजन लिया गया है दैट इज रियली रियली गुड फॉर देम, बहुत ही ज्यादा उनके लिए रिलैक्सिंग होगा. देयर फॉर इसलिए इट टुक द व्यू दैट व्हेन एससी एसटी कैंडिडेट्स गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन, द सेम रिलैक्सेशन शैल अप्लाई टू डिसेबल कैंडिडेट्स टू, ठीक है. तो इसीलिए ये यू नो डिसाइड किया गया कि जो रिलैक्सेशन जो मिलता है एससी एसटी वालों को उनके परसेंटेज को लेकर, उनके मार्क्स को लेकर कहीं पर एडमिशन लेना हो उनको, तो वो सेम रिलैक्सेशन जो है वो इन्हें भी मिलना चाहिए, कह रहे हैं जो डिसेबल्ड हैं उनको भी. इन द 2012 केस बिफोर द हाई कोर्ट अ यूनिवर्सिटी हैड अलाउड है ना, अभी देखो इन द 2012 केस बिफोर द हाई कोर्ट एक यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था, हैड अलाउड अ 10% कंसेशन इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है ना, जो उनकी मिनिमम एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी उसमें एससी एसटी के लिए 10% का कंसेशन किया था, ठीक है. एंड 5% किया था किनके लिए, फॉर डिसेबल्ड एप्लीकेंट्स, उनके लिए 5% किया था. देख सकते हैं आप बिल्कुल 50% कम, द यू नो बिल्कुल 10% और वहाँ 5%, बिल्कुल आधा कर दिया गया उसे. सो द हाई कोर्ट किया गया था एक यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है. अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि द हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट कैसा था, डिफरेंशियल जो कि भेदभाव करने वाला हुआ है ना, कि भाई आप इनको 10% दे रहे हो, जो डिसेबल है इनको 5% दे रहे हो, तो फिर ये क्या हुआ, एक तरह से भेदभाव करना हो. तो ये क्या हुआ, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ, टर्मिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी, और उसे टर्म किया कि ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, द हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट दैट है ना, तो उसको डिस्क्रिमिनेटरी टर्म दिया, मतलब कि भेदभाव ये किया जा रहा है. आगे देखते हैं, द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वॉज दैट विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, एंड जो जो बेसिक सिद्धांत जो इसके पीछे है, जो बहुत बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि बिना उनको एजुकेशन प्रोवाइड किए, विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर यू नो एक प्रॉपर एजुकेशन अगर जब तक उनको नहीं दिया जाता टू दोज हू सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, देर कैन नॉट बी एनी मीनिंगफुल एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स. तो उनके राइट्स का मीनिंगफुल एनफोर्समेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है तो. बोथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द देन प्रिवेलिंग 1995 लेजिस्लेशन है ना, ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डिसेबल्ड एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स. तो दोनों के हिसाब से उनको सबसे पहले तो इक्वल राइट्स के लिए, जो एजुकेशन जब तक इम्पार्ट नहीं किया जाएगा तो ये जो इक्वल राइट्स की बात की गई है ये उनको कैसे मिलेंगे, ठीक है. So it can only be more applicable now. You know, now that a fresh law that aims for a greater transformative effect, जो एक fresh law आया है, जो कि now it aims for what? It कि इसको you know enact किया जाए, इसको effect में लाया जाए, right? The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 is in place. Now we can say that Act is in place, है ना? Because अभी because of this new transformative you know law. अ काउंटर पॉइंट टू द आइडिया, अब उसका एक काउंटर पॉइंट भी आएगा, अगर ये डिसीजन लिया गया है तो उसका एक काउंटर पॉइंट ये होगा कि द आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसेबल्ड एंड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स
may arise from those questioning the attempt to equate physical or mental disability with the social disability and experience of untouchability suffered by marginalized sections of our countries. अब देखो, अब ये कोई चीज आती है तो उसका यू नो उसके उसके फेवर में भी लोग होते हैं, उसके अगेंस्ट भी लोग होते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या एक काउंटर पॉइंट आया है टू द आइडिया. आइडिया ऑफ वॉट? आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग द डिस्टिंक्शन, जो भेद है अभी भी बिटवीन द डिसेबल्ड एंड इन जो एससी एससी कास्ट वालों का और इस जो डिसेबल्ड है उन पर जो भेद है उसको हटाने का जो ये आइडिया है उस पर एक क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है. मे अराइज फ्रॉम दोज, है ना, उनसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस अटेम्प्ट को जो कि इक्वेट कर रहा है फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी और सोशल डिसेबिलिटी को, कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है. दे हैव बीन यू नो दे हैव सफर्ड अ लॉट, सेंचुरीज तक उन्होंने जो है सफर किया है क्या अनटचेबिलिटी को, सफर्ड बाय द मार्जिनलाइज सेक्शन. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई जो चीजें हमने सफर की है वो ये थोड़ी सफर कर रहे हैं, ये तो जो है डिसेबल है, बट देन जो एक जो यू नो अछूत हुआ छूत वाली भावना जो थी और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा यू नो टॉर्चर किया गया था, तो वो सारी चीजें तो नहीं थे इनके साथ में, ये क्वेश्चन आया. अब देखो क्या बोला जा रहा है. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन फ्रॉम अ ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड कम्युनिटी में gave them an advantage over those suffering from historical and social disability. अब देखो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि द सोशल बैकग्राउंड, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका जो सोशल बैकग्राउंड है, दे कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड कम्युनिटी. हो सकता है कि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से है. तो देखो पहली बात यही बोली गई थी, डजंट मैटर कि वो पर्सन जो है अमीर घर से है, अमीर तबके से है, गरीब तबके से है, वो प्रिविलेज्ड रहा है या नहीं रहा है, पर डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी है ना. वो अपंग है तो वो अपंग है, उसमें क्या उसका ये देखना कि वो कहाँ से आया है या वो रिच बैकग्राउंड से, तो उसको सुविधाएं ना दी जाए. दिक्कतें तो उसको वही होती हैं जो कि सभी डिसेबल को, उस कैटेगरी के सभी डिसेबल को होगी, राइट. सो दे गिव देम एन एडवांटेज ओवर दो सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी. तो उनकी उनके पास एक जो एक एडवांटेज था कि वो एक ट्रेडिशनली प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, अगर ऐसा केस है तो. ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ एवर दिस मे नॉट ऑलवेज बी द केस. ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई सोशली जो एक पर्सन जो डिसेबल है वो हमेशा ट्रेडिशनली प्रिविलेज बैकग्राउंड का ही है, बट ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि भाई एक पर्सन जो वाकई में बहुत डिसेबल भी है और उसके साथ और भी दिक्कतें हैं, वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता, वो बहुत ही गरीब तबके का है, तब क्या कहा जाएगा कि अच्छा उसमें भी हम भेदभाव करें कि ये जो है क्योंकि गरीब है और डिसेबल जो डिसेबल है गरीब तबके के हैं इसलिए इनको ये फायदे दिए जाएं, जो ये पर्सन डिसेबल है बहुत ही अमीर तबके से आते हैं या बहुत ही ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं तो इनको बेनिफिट ना दिया जाए. डजंट मीन ना कि जब वो डिसेबल है तो वो काम वो भी नहीं कर पाता और वो भी नहीं कर पाता. तो डिसेबिलिटी के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट. ये कहा जा रहा है बेसिकली. द दिल्ली हाई कोर्ट हैड साइटेड द अबिस्मली, जो अब बैड वेरी बैड है ना, हमने अभी पढ़ा अबिस्मली का क्या मतलब, एक्सट्रीमली बैड लो लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना. तो अभी ये बहुत ही शॉकिंग सी बात है कि जो डिसेबल पीपल हैं उनमें जो लिटरेसी का रेट है ये बहुत ही कम है ना. दिस इज लाइक दिस इज शॉकिंग. एडुकेशनल इंडिकेटर्स कैप्चर्ड इन 2001 सेंसस शोड दैट इलिटरेसी अमंग द डिसेबल्ड, इलिटरेसी जो है अमंग द डिसेबल्ड वॉज मच हायर देन द जनरल पॉपुलेशन फिगर. मतलब जो इलिटरेसी का रेट था कितने शिक्षित है वो बहुत ही ज्यादा है देन द जनरल पॉपुलेशन. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द शेयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल वाज क्वाइट हाई. चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल मतलब जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, डिसेबल लोग जो स्कूल नहीं जा पाते वाज क्वाइट हायर देन अदर मेजर सोशल कैटेगरीज, जो अदर सोशल कैटेगरीज के बच्चे हैं. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिसेबल जो है वो आउट ऑफ स्कूल है इसलिए तो उनमें लिटरेसी जो है बहुत ही ज्यादा कम है. 2001 सेंसिस के हिसाब से टोटल इलिटरेसी रेट अमंग द डिसेबल एट 51%, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है. तो उनमें क्या है, शिक्षा का अभाव है बहुत ही ज्यादा, 51%, मोर देन लाइक हाफ, है ना. सो 51% जो है
एज पर द सेंसस वो एजुकेशन की उनको अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की फैसिलिटी उन्होंने अवेल ही नहीं की. देर वॉज क्योंकि थी नहीं उनके लिए ठीक है. सो देर वॉज सिमिलर एविडेंस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट लॉ. वैसा ही कुछ एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी था. द 2016 लॉ सॉट टू एड्रेस दिस बाय रेजिंग द कोटा फॉर द डिसेबल्ड फ्रॉम 3% टू 5% क्योंकि वही डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर भी था एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी उनके लिए जो डिसेबल है. तो फिर तब 2016 में क्या किया गया कि इसे एड्रेस करने के लिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए कोटा रेज किया गया है ना डिसेबल्ड के लिए 3 से 5% तक ठीक है. एंड कंसिडरिंग ये वर्ड हमने कल के ड्यूरल में पढ़ा था एडवाइजिंग इन्होंने कंसिडरिंग इंसेंटिव्स आल्सो इंसेंटिव्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू हायर देम टू. तो यहाँ पे इनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी जो है कोटा एंड ऑल अरेंज की गई या प्राइवेट सेक्टर में भी इनको ईज करवाने के लिए इनको जो एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए ये स्टेप लिया गया एज पर 2016 लॉ है ना. इट इज वाइटल अब बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दिस इज फुली गिवन इफेक्ट इसको अब फुली इफेक्ट में प्रभाव में लाया जाए टू सो दैट दिस सिग्निफिकेंट सेगमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट लेफ्ट आउट. जो हमेशा से उन्होंने लेफ्ट आउट फील किया है वो लेफ्ट आउट नहीं रहने चाहिए ठीक है. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो ये चीज़ है जो ये लॉ है उनको इनैक्ट करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी इफेक्ट में लाना पड़ेगा ठीक है. ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट से हमेशा से वो लेफ्ट आउट रहे तो आप ऐसा ना हो कि अभी भी वो लेफ्ट आउट रहे. तो इसके लिए इस इफेक्ट इस चीज़ को इस लॉ को जल्दी से जल्दी जो है इफेक्ट में लाना पड़ेगा ठीक है. सो आज का आर्टिकल था ये जिसमें हमने देखा कि कैसे डिसेबल्ड के लिए सेम ट्रीटमेंट इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई है जो कि एससी एसटी कैटेगरी को दिया जाता है. और ये बताया गया कि कैसे उनमें उनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें रही हैं और वो कैसे हमेशा से अंडर प्रिविलेज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं है ना. और उन बताया गया कि फिर जो उनका एजुकेशन रेट है वो बहुत ही लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम रहा है ना. तो ये सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है कि उनको भी उसी तरह का तरीके से रिलैक्सेशन और प्रिविलेज दिए जाए ताकि वो इक्वली आगे आ सके और पीछे ना रहे लेफ्ट आउट ना रहे. तो ये था आज का आर्टिकल. आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन में है ये दो क्वेश्चन आपके सामने. इनमें आपको क्या करना है यहाँ टू स्पॉट द एरर ठीक है. तो ये पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ है लिखा है द 2016 लॉ सॉट एड्रेसिंग दिस बाय रेजिंग द कोटा फॉर द डिसेबल्ड ये अभी अभी हमने पढ़ा जस्ट है ना फ्रॉम 3% टू 5% एंड एडवाइजिंग इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू हायर देम टू. अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सॉट इज अ वी टू ऑफ सीक है ना. सीक का वी टू होता है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है सॉट इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन लगती है दैट इज टू है ना. तो अगर यहाँ पे सॉट के साथ टू आएगा सॉट टू तो एड्रेसिंग का क्या हो जाएगा एड्रेस ing फॉर्मेट जाएगा. तो एरर इसमें थी फर्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट को देखते हैं. Even though drawn from all sections of society, though suffering from the several category of disability. ओके सेवरल लिखा है यहाँ पे तो सेवरल के साथ जो है जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए बिकॉज सेवरल सेवरल मतलब मोर देन वन. अब मोर देन वन है तो उसको आप कैसे दिखाएंगे मोर देन वन को उसको प्लूरल बनाकर ही ना. तो ये कैटेगरी क्या हो जाएगा ये कैटेगरीज बन जाएगा अब बाय हट के यहाँ पे लग जाएगा आई एस ठीक है राइट. सो यहाँ पे गड़बड़ थी इस सेक्शन में अब एक ही एरर थी इसमें तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सो आई होप आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं एंड ये एडिटोरियल सेशंस जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं और आप इनसे कुछ सीख रहे हैं. तो इसी उम्मीद से हम कल फिर से मिलेंगे एक और नए एडिटोरियल के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखिए सेफ रहिए अपने अपने घरों में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक इट एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सके. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच.